हेलो फ्रेंड्स, जब भी हमारी बॉडी को गोरा करने की बात आती है तो ज्यादातर लोग अपने हाथ पैरों पर और अपने फेस पर ही फोकस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप गोरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो ना केवल आपका चेहरा, ना केवल आपके हाथ और पैर, बल्कि आपकी नेक यानी कि गर्दन का गोरा होना भी बहुत जरूरी है। अक्सर ज्यादा गर्मी की वजह से या फिर ध्यान ना देने की वजह से हमारी गर्दन पर कालापन जमा हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए हमें काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। आइए जानते हैं आज कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपकी गर्दन के कालेपन को दूर कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है बेकिंग सोडा। गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1 चम्मच पानी के अंदर 2 चम्मच बेकिंग सोडा को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करिए। इस पेस्ट को अपने गर्दन पर लगाइए, सूखने के बाद इसे धो दीजिए। अगर आप इस प्रक्रिया को निरंतर 2 हफ्ते तक करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। टिप नंबर 2 है आलू का रस। आलू को अच्छे तरीके से कद्दूकस करके उसके अंदर का रस निकाल लीजिए। इस रस के अंदर नींबू के रस को मिला लीजिए। नींबू का रस किसी भी प्रकार के मैल और कालेपन को दूर करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस मिक्सचर को अपनी गर्दन पर हल्के हाथों से मसाज करिए, 20 मिनट के लिए छोड़िए और उसके बाद साफ कर लीजिए। आपके गर्दन के कालेपन को काफी हद तक कम कर देगा। टिप नंबर 3 है एलोवेरा। आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए। एलोवेरा जेल को मार्केट से खरीद लीजिए या फिर ताजी पत्ती से उसे बीज से कट करके एलोवेरा जेल को निकाल कर सीधे ही अपनी गर्दन पर 20 से 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद पानी से साफ कर लीजिए। अगर आप रोजाना इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दोस्तों, ये है कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपके गर्दन के कालेपन को दूर कर सकते हैं। इन्हें जरूर ट्राई करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।